क्या पावर स्टार के गाने की वजह से लगेगी विक्की और विद्या के फिल्म की नई अपार? भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर बॉलीवुड में अपना जबरदस्त गाना लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इस गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है और गाना जो है वो कब रिलीज होगा इसका अभी तक कोई भी पोस्टर ना तो कोई जानकारी सामने आई है। हालांकि बस इतना पता चला है कि गाने की शूटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। ये फिल्म 11 अक्टूबर को सिनेमा घरों पे रिलीज होगी और आज 3 अक्टूबर है, ऐसे में फिल्म को रिलीज होने में ज्यादा दिन नहीं है। तो क्या फिल्म के रिलीज होने के 3 से 4 दिन पहले गाने को रिलीज किया जाएगा जिससे दर्शकों का ध्यान बना रहे? अब आप सभी जानते हैं कि पावर स्टार ने फिल्म स्त्री 2 में गाना गाया था आई नहीं, जिसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया और इस गाने को फिल्म से 1 महीने पहले ही रिलीज कर दिया गया था। इसके बाद इस गाने को लेकर जो हाइप क्रिएट हुआ था उसका नजारा तो हम सभी ने देख लिया, जिसकी वजह से सिनेमा घरों के बाहर एक अच्छी खासी लंबी लाइन लग गई और इस गाने का क्रेज आज भी सभी के ऊपर चढ़कर डोलता है। हालांकि ये फिल्म विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो जो 11 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, अगर 4 दिन पहले इस गाने को रिलीज किया जाएगा तो क्या ये फिल्म भी वैसा ही हाइप क्रिएट कर पाएगा जैसा कि स्त्री 2 ने किया था? क्योंकि राजकुमार राव खुद भी इस बात से अग्री करते हैं कि पावर स्टार की वजह से फिल्म को दर्शक देखने आए थे, और इतना ही नहीं जो पावर स्टार के फैंस हैं कहीं ना कहीं उनको भी इस गाने से ज्यादा उम्मीद है। अब जैसा कि आप सभी ने देख लिया था कि फिल्म स्त्री 2 का गाना आई नहीं जिस तरीके से ग्लोबली ट्रेंड कर रहा था, उसे सुनने के बाद पावर स्टार के फैंस जो है वो इस गाने से और भी ज्यादा उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि ये गाना शायद उस लेवल को भी पार कर दे। तो क्या लगता है आपको, क्या मेकर्स जो है वो लास्ट मोमेंट पर फिल्म में दर्शकों की भीड़ के लिए पहले ही गाना रिलीज कर देंगे? क्या लगता है आपको, क्या कहना है आपका इस पर हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।